हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएस मैक 2023 के बारे में। इस वीडियो में यूपीएस मैक के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी आपने जो है टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस चैनल पे आपको यूपीएस मैट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अपडेट्स के रिगार्डिंग सबसे पहले हम नोटिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे यूपीएस मैट 2023 के रिगार्डिंग जो है हाईलाइट देख लेते हैं सबसे पहले इसके। सो गाइस, यूपीएस मैट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। पीजी लेवल का एग्जाम है। नेशनल लेवल यानी कि ऑल ओवर कंट्रीज से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे यूपीएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में। अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज के रिगार्डिंग एडमिशन चाहिए तो यूपीएस मैट के एग्जाम क्लियर करके क्रैक करना कंपलसरी है। ये एग्जाम खुद यूपीएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो एग्जाम दोनों ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं। एग्जाम के लिए 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस, ये तो हमने इसके हाइलाइट्स देख ली, अब इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे एक एक इवेंट को लेके। तो सबसे पहले आता है हमारा एग्जाम डेट्स। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के एंड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। एंड आपका एग्जाम जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम, अप्रैल 2023 के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे डेट्स अनाउंस होगी उसके ऊपर हम फिर से एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में आपको जो है हर एक इवेंट की डेट पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। सो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं तो किसी भी तरह से सारे डीटेल्स एंटर करेंगे, ना ही प्रिस्क्राइब फॉर्मूला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फिल करने के लिए फिल कर देते हैं। लेकिन उनके एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस है, लाइक डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ना हो, डिटेल्स बराबर प्रॉपर ना हो, इनवैलिड डिटेल्स हो, गलत डिटेल्स हो, तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस अब क्या करना है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, सिंपली जैसे ही गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बता दिया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो सिंपली मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की। सो गाइस, 1350 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है यहाँ पे, हर कैंडिडेट के लिए सेम रहेगी एप्लीकेशन फी। अब नेक्स्ट बात करेंगे गाइस यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि अगर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको गाइस कंपलसरी मैंडेटरी है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करो। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इस एग्जाम के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज गाइस यहाँ पे क्या आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चेक करते हैं। आप एसएससी यानी कि 10th 12th पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके यहाँ पे रहने चाहिए। उसी के साथ गाइस यहाँ पे अगर आप लोग के पास मैट, सी मैट, जेट, कैट, एनमैट या जी मैट का अगर गाइस आप लोगों के पास स्कोर कार्ड है तो आपको यहाँ पे एंट्री एग्जाम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो 4 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अब गाइस यहाँ पे टोटल 140 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आते हैं सिलेबस पे। तो गाइस आपका जो सिलेबस है काफी वास्ट है, तो डिटेल सिलेबस तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। सो गाइस इसीलिए सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप कंप्लीट सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके ऊपर स्टडी मटेरियल की लिंक है, वहां से स्टडी मटेरियल भी डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एडमिट कार्ड की। सो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन एग्जाम सेंटर में भी नहीं दिया जाएगा।
बट गाइस यहाँ पे मेन इशू ये है कि कई बार स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते वेरियस रीजंस की वजह से, लाइक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने नहीं आता, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी नहीं पता होता, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो वही नहीं पता चल पाता कई बार लोगों को। तो गाइस इसीलिए अगेन आप अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट काउंसिलिंग के सारे इवेंट्स आपको नोटिफाई कर देंगे हम वीडियो के थ्रू, साथ ही किस तरह से इस इवेंट को करना है वो भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा लाइव करके, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दी जाएगी जिससे आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को यूपीएस मैट 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है कोई भी हेल्प आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।